दोस्तों रियलमी बहुत ही जल्द अपना पहला मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन के 730 के साथ लॉन्च करने वाला है, जो कि सक्सेसर होने वाला है रियलमी XT का, जिसको माधव सेठ ने ऑफिशियली कंफर्म किया था रियलमी XT के लॉन्च इवेंट में ही। दोस्तों यह रियलमी का पहला ऐसा डिवाइस होने वाला है जिसमें कि आपको स्नैपड्रैगन के 730 का प्रोसेसर, 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा और उसके साथ ही यहां पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और क्या होने वाला है इसका कन्फर्म स्पेसिफिकेशन और इंडिया में इस स्मार्टफोन को कब तक और कितने प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें स्मार्टफोन की बिल्ड और डिजाइनिंग से, तो दोस्तों रियलमी XT के जैसा ही स्मार्टफोन में भी आपको ग्लास बैक का डिजाइन देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है बहुत ही बेहतरीन ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन के बैक साइड में ही आपको 108 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड में देखने को मिलने वाला है 6.4 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आने वाला है एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। और वहीं बात करें अगर सेल्फी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन के फ्रंट साइड में आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ। और उसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 730 का प्रोसेसर, जैसा कि रेडमी K20 में हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में स्मार्टफोन काफी बेहतरीन होने वाला है। और उसके साथ ही अगर बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आने वाला है 15W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको टाइप सी एंड 3.5 mm ऑडियो जैक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में। और फाइनली बात करें स्मार्टफोन की रियर साइड की कैमरास की, तो दोस्तों रियलमी XT में हमें 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिला था। तो दोस्तों ये रियलमी XT का अपग्रेड वेरियंट होने वाला है, तो दोस्तों स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जहाँ प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल सैमसंग का होने वाला है। वहीं यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में, जो कि कलर OS 7.0 को सपोर्ट करेगी। अब फाइनली बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन का स्टार्टिंग प्राइस आपको 17,000 से 18,000 रुपये करीबन देखने को मिलने वाला है इंडिया के अंदर, जो कि होने वाला वेस वेरिएंट 6GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और उसके साथ ही यहां पर आपको इस स्मार्टफोन का हायर वेरिएंट 21,000 से 22,000 रुपये करीबन देखने को मिल जाएगा इंडिया में। वहीं बात करें रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को इंडिया में दिसंबर के महीने तक रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके संग शेयर करा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।